प्रतापगढ़ जनपद के पट्टी ब्लॉक के ताड़ी ग्राम में कागजों पर 2-5 साल से विद्युतीकरण हो चुका है, परंतु 5 साल से बिजली का बिल आ रहा है। ना तो तार लगे हैं ना खंभे गड़े हैं। परेशानी है दीदी रहा है कि बिजली परेशानी रही, मतलब दूसरा में कंप लगी तो हुआ, मतलब सब जुट के आदमी गए थे डालत भर के, तो हुआ मतलब लिखा पढ़ी, मतलब सब बिजली लिया था। और बाद साल के भीतर में कहे रहे खंभा तार सब मिल जाएगा, सबके आगे बिजली जलेगा। और बाद दीदी 5 साल हो गए बिजली नहीं आई थी, और बाद बिल चालू भा, और बाद मतलब जे वही सब आवत हैं बिल के पैसा जमा करे के नाते नोटिस भेजत हैं। और बाद दीदी मतलब हिया कहा था बिजली नहीं जली तो बिल कैसे आई, कितना बिल आया हो? अबे बिल तो मान लो 4,000 रुपये पहले बताए थे, इस समय तो नहीं मालूम है। तो इसे क्या परेशानी हो रही है? परेशानी तो बहुत है, जब तारा ही नहीं है तो बिजली कहाँ से आएगी, बच्चों को भी पढ़ाई लिखाई और सब सारे सिस्टम गड़बड़ है। अब क्या चाह रहे हैं? अब बिजली चाह रहे हैं, मान लो खंभा आ जाए तार आ जाए, मान लो हम लोगों को कनेक्शन तो है ही। इस वीडियो के देखने वाले सभी दर्शकों से अपील है कि पट्टी के SDO के मोबाइल नंबर 9450-9637-16 पर फ़ोन कर दबाव बनाएं ताकि यहां की समस्या समाधान हो सके। मैं चंदा भारती, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश, इंडियाना हट के लिए।